हेलो फ्रेंड, मैं रेखा मेहर गार्डन से आपका स्वागत करती हूँ। और कैसे आप सब लोग, आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और गार्डनिंग में मस्त होंगे। और क्या कहूँ, ये देखो मेरी ये कोकोपीट है, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। तो ये कोकोपीट है, गार्डन में बहुत अच्छे यूज़ होता है इसका। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको यूज़ करने से पहले इसको हमें किस तरह से वॉश करनी है कि जिससे कि ये गार्डन में काम करने लायक हो जाए। तो इसको जब हम मंगाते हैं तो हम डायरेक्ट इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, हमको इसको वॉश करना पड़ता है। तो मैं इसको किस तरह वॉश करती हूँ मैं आपको बताऊँगी। तो इस तरह आपको कैंची से ये इसकी जो पन्नी है मैं काट लूँगी। और ये बहुत ही अच्छी होती है, पर जब हम भी ऑनलाइन मंगाएं तो इसको हमें किस तरह से वॉश करना है कि एकदम, आप सूखी तो इसको यूज़ नहीं कर सकते हो, ये केमिकल से बनी होती है। तो आपको यूज़ करने से पहले एक बड़ा सा टब लेना है और उसमें ये कोकोपीट की ब्रिक डाल के इसको हमें गीला करना है, इसको अच्छे से भिगो देना है। कुछ कुछ लोग रात भर के लिए भी आप ओवरनाइट भिगो सकते हैं, या आप तुरंत भी इसको धो के वॉश कर सकते हैं। तो मैं इसको तुरंत धो के आपको दिखाऊंगी। तो अगर आप चाहो तो रात भर के लिए भी रख सकते हैं। इसको पूरा ही ऐसे करना है कि आपका ये इस तरह, देखो ये पानी डालते ही ये अपनी जगह छोड़ने लगती है। तो इसको ऐसे ही वॉश करा जाता है, मैं इस तरह ही इसको वॉश करके रखती हूँ, क्योंकि जब भी वॉश नहीं करेंगे तो ये जो केमिकल से इसमें स्टोर में केमिकल से मिला के रखा जाता है ना, तो वो निकल जाता है। तो हमको इस तरह वॉश करना है। और अगर लगे कि आपका पानी कम है तो आपको और पानी डाल के इसको वॉश करना है। जैसे ही पानी के संपर्क में आती है ये अपनी जगह छोड़ने लगती है। तो आपको कोई भी बड़ा सा टब लेके इस तरह से आपको इसको वॉश करना है। ये बहुत ही अच्छी मीडिया होती है। जब हमको सॉइल लाइट वेट बनानी होती है तो इस तरह हम कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप इसको जब धो के करो तो कोई भी एक बास्केट ऐसी लेनी है जिसमें कि हम इसका पानी हमारा डी स्ट्रेन हो जाए, निचुड़ जाए पानी। तो मैंने बांस की डलिया ली हुई है, तो आप भी चाहो तो ऐसी कोई प्लास्टिक की जिसमें होल हो उसमें डालिएगा। तो मैं इसको ना एक बार और वॉश करूँगी। तो मैं दो बार वॉश करती हूँ, तो जिससे कि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, मैं हमेशा ही दो बार वॉश करती हूँ अपनी कोकोपीट को। आप चाहो तो एक बार भी कर सकते हो, पर दो बार करेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो मैं इस तरह से दोनों बार ही इसको वॉश कर लूँगी। तो इस तरह देखो मैं अच्छे से वॉश करती हूँ निकाल निकाल के। तो ये बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन आपको डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है, इसलिए आपको दो बार इसको वॉश करके और आप आराम से इसको रख सकते हैं। और जो कुछ इसके कुछ पानी में इसके कण रह जाते हैं तो आपको क्या करना होगा कि इसको भी निकालने के लिए आपको कोई भी एक आप कपड़ा लेंगे, और बाल्टी के अंदर मैंने रख दिया है, एक पतला सा कपड़ा लिया है जिससे कि पानी बाहर चला जाए और कोकोपीट मेरी इसमें कपड़े में रह जाए। तो मैं जो पानी के अंदर, क्योंकि हाथ से हमारा निकलता नहीं है, तो हम इसको छान लेंगे। छानने से क्या होगा, कोकोपीट हमारे कपड़े में ही रह जाएगी और पानी जो इसका गंदा पानी है वो बाहर निकल जाएगा। तो मैं इस तरह ही अपनी कोकोपीट को साफ करती हूँ, तो वही मैंने शेयर किया है आपको। तो ये देखो कपड़े में कोकोपीट ही रह गई है और पानी जो गंदा पानी है वो बाल्टी में रह गया है। तो आप चाहो तो इस तरह भी आप अपनी कोकोपीट को वॉश कर लीजिएगा। ये बहुत ही, अब आप इसको आराम से रखेंगे और जब भी आप चाहो इसको यूज़ करो। तो इसको ओवरनाइट रख देंगे, ये पानी जो देख रहे हो आप बहुत ही गंदा पानी है, इस पानी को हमको फेंक देना है। और इस जो डलिया है इसको ओवरनाइट रात भर के लिए आप रख दो, और कल सुबह आप देखोगे तो आपकी कोकोपीट, इस तरह से मेरी कोकोपीट बन के रेडी हो गई है। अब मैं जब भी चाहूँ इसको मिट्टी में, एक पार्ट मिट्टी एक पार्ट सैंड एक पार्ट कोकोपीट मिला के ये हमारी मिट्टी रेडी हो जाएगी, लाइट वेट हो जाएगी।
बताऊंगी आपको मेरी ये जो मेरा एक प्रोसीजर कैसा लगा। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा, और आप भी इस तरह अपनी कोकोपीट तैयार करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।